दिल ही दिल में आदा। लव थीम बनाना होता है। हाँ, बड़ा रोमांटिक आदमी है। फिर हमने बात की अनुराग से। अच्छा, तब तक मुझे थोड़ी पता था कि अनुराग की हिंदी इतनी पैदल है। ये तो तोहिन हो गई, मतलब मुंह पे हंस रहा है यार मैं। ऐसे क्यों, कुछ तो लिखती हूँ, लिख के मिटाती हूँ मैं रात भर। अब ऑनेस्टली मतलब मैं इनको भी पहले बता रहा था, मैंने ये भी बताया था कि मैं जब ये आइडिया, ये पहले हंसा था मेरे पे, पता है ना, मैं गया था, मुझे जानना मैं है, गया था ये ऐसे क्यों, सीजन वन में था। हाँ। और मैं, मेरे माइंड में बड़ा था कि ये जो रणविजय और विद्या मालवेडी जो का कैरेक्टर है, मैं चाहता था कि इस बार क्या है कि जो ऋषि और डिम्पल के कैरेक्टर है वो, उनकी जर्नी कुछ अलग हो गई है, बट ये जो रोमांटिक गाना है इसका थोड़ा सा एक मैच्योर वर्जन मैं चाहता हूँ। तो अच्छा। एक मतलब जैसे यू नो इस टाइप का एक सोलफुल वर्जन हाँ, हो हाँ। तो मैं इसके पास गया था और मैं बोला था एक सोचता हूँ ये लव थीम, इसको क्या ना हमेशा लव थीम बनाना होता है। हाँ। बड़ा रोमांटिक आदमी है तो ये बड़ा रोमांटिक हो जाता है। तो मैंने बोला लव थीम तो तूने बहुत अच्छा बनाया था, अब नया बनाने के चक्कर में मत जा, जो चल चुका है ना उसका एक वर्जन बनाते हैं जो बहुत सोलफुल है, ऐसा करते हैं इस टाइप का बनाते हैं और रेखा जी को पूछते हैं। तो ये हंस दिया मेरे मुंह पे, बोला एक तो इसका सोलफुल वर्जन बनेगा नहीं, दूसरा रेखा जी हमारे साथ क्यों करेंगी। तो मैंने बोला कि यार ये तो मैंने बोला यार ये तो तोहिन हो गई, मतलब मुंह पे हंस रहा है यार मैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी है तो हंस दिया। फिर इसने क्या किया, इसने मेरा मजाक उड़ाने के लिए इनको जाकर बोला कि सुनो क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं इनके साथ होते, इनकी घंटी बजी। इन्होंने बोला लेकिन आइडिया बुरा नहीं है, लिख लेते हैं। हाँ। तो ये कुछ लाए और हाँ। जो दो तीन उनकी लाइनें हैं वो तो खैर जो कमाल है वो तो है, उन्होंने सुनाई और मैंने बोला कि यार क्या लिखा है, अब रेखा जी से ही पूछते ना, पूछे तो यहाँ भी डाउट कि कैसे होगा रेखा जी। तो मैं बोला कोशिश तो कर लेते हैं ना किसी तरह, एक मतलब हाँ ना ही करेंगी, मैक्सिमम ना करेंगी बट कर लेते हैं। अच्छा, और हम ना थोड़ी कोशिश कर रहे थे कि ये मुझे बोल रहा है कि आपके प्रोड्यूसर है ना संजू सर, वो विशाल को जानते हैं, वहां से ट्राई करें क्या। मैं बोला ठीक है, डैड भी जानते हैं विशाल जी को, मैं बात करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो सब जगह कि किसी तरह जाकर एक बन जाए कि ऑल्सो हमें पता नहीं था कि मतलब जाकर थोड़ा बेच दें आइडिया आपको कि मतलब बुरे लोग नहीं है, ठीक ठाक काम कर लेते हैं। तो ये सब हो रहा है और उस चक्कर में मैं चला गया शूट करने। हाँ। और मैं भूल गया, और अनुराग की आदत है कि ये रात को जागता है, तो मेरा नाइट शूट चल रहा था और वहां पे कुछ 2:30 बजे कुछ ऐसा मेरे पास मैसेजेस आ गए अनुराग के, बोला फिर रात को सता रहा है ये कि क्या हो गया। तो मैंने खोला तो वीडियो थे कि आप लोग तीनों साथ में बैठे हैं और वो स्क्रैच रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं हैरान हो गया, मेरी शूटिंग रुक गई 15 मिनट। अच्छा, तब तक आपको पता ही नहीं था कि, इन्होंने बोला था कि कोशिश होगी। हाँ। मैंने संजू से भी बात कर रखी थी, मैंने अच्छा। बोला था कि विशाल जी से, अगर संजीव कुमार नायर जो जो आपकी खुफिया भी साथ में थे, तो मैंने बोला आप ना कहीं ऐसा जहन में बात डाल दो। एक बार मुझे विशाल जी पार्टी पे मिले थे, उनको कारवा बहुत अच्छी लगी थी तो वो यूज करते हैं, ये सेटिंग कर लेते, हम लोग बहुत सेटिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे होगा। और फिर ये वीडियो आ गया, बोला कुछ बहुत मतलब इन्होंने बड़ा तीर मार लिया और हम लकी हो गए। तो पहले मेरे पास गाना आया तो मेरे मैनेजर शमा ने कहा, मैंने कहा बड़ा अच्छा है यार, गाऊंगी मैं, पर मुझे कंपोजर से बात करनी है। हाँ, फिर हमने बात की अनुराग से। अच्छा, तब तक मुझे थोड़ी पता था कि अनुराग की हिंदी इतनी पैदल है। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से एकदम तुरंतर गति में हिंदी में अच्छे से बात की, एंड ही वॉज हैप्पी बात करके। तो मैंने कहा अनुराग के मैं ना मिल के गाना एक बार सीखना चाहूँगी, इसलिए कि ये नुआंसेस मिस हो जाते हैं जब हम ऐसे सुनते हैं मोबाइल पे, ऐसे ही वो आधी चीज़ें चली जाती हैं। नहीं, बहुत खुश हुआ था ये बात से, मुझे याद है, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। मैं कहा तो मैं इस 2 दिन ये वाले में फ्री हूँ, इसमें बैठ जाएंगे। फाइनली इस दिन हम हमारे स्टूडियो में मिले, अनुराग और ये आए राज, और गाना मैंने तब तक मैं तो सुनती रहती थी तो काफ़ी याद कर लिया था, और मैंने छोटी छोटी जगह थी वो की, एंड आई टोल्ड हिम कि मेरे लिए बहुत हाई है। तो जैसे अनुराग ने कहा कि आप बस, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप जैसे ही जिस सुर में आपको ठीक है हम उसी में करेंगे, तो मुझे लगा भाई वाह, बस अब मेरा काम हो गया। इवन टेम्पो के लिए ही बस के नहीं, आपको कम करना है, हम टेम्पो भी कम करेंगे, बट आई डोंट थिंक हमें कम करना पड़ा। उस दिन हम मिले, गाया, उसने कहा कि मुझे भेजना है, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ एक्शन में, वो भी पूछ के किया था। तो वो
मेरे ख्याल से हम तीनों का तो उसी दिन एक वेवलेंथ मिल के, और हम लोग तो ऐसे हो गए थे। अनुराग को विश्वास अभी कुछ कब आया, जब मैं मसूरी से एक दिन मैंने अनुराग को कहा कि यार तुम अब इतना थैंक यू बोलना बंद कर दो। मैं जेन्युइनली जब तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा, बिकॉज एक मेलोडी अच्छी मिले, उस पर आपको लिरिक्स इतने अच्छे मिले कि जहाँ आपका काम कम हो जाता है ना थोड़ा, आपको फिर बस गाना तैयार करके अपना बनाना है और उसको अपने दिल से बस आपको गाना है। आई फील सो प्रिविलेज्ड कि वी हैव अ कंपोजर हु इज ऑल फॉर मेलोडी एंड यूजिंग अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स। जो मैंने BTS इनका देखा है तो सितार सुनाई देता है, फ्लूट देती है, लेकिन इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि वो होता है ना कि दिखाई सुनाई कम चीज़ें देती हैं, जो सटली और साइलेंटली ऐड करती हैं। इतना मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, और वो दिख रही है। और अब तो तुम्हारा रोमांटिक गाना भी देखो पृथ्वी फेस्टिवल पे, तो इनसे बात हो रही थी और वो मेरे डैड से बस उसके पहले ही मिली थी। ये गाना इतना बड़ा हिट हो गया, हम मिले ही नहीं है। हाँ। और वो ऐसा होता है मेरे साथ काफी। और अब तो मतलब, तो जब हम बात करें तो विशाल जी आए और विशाल जी ने बोला यार गाना तो वायरल हो गया है, मतलब यूथ को पसंद आ रहा है वो। एक मतलब कि ये भी लोग बोलते हैं ना कि सर आपकी वाइफ ने बहुत अच्छा गाना। एंड एक्चुअली इस गाने का आई थिंक जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, जो एक मतलब जो एक किस्मत में होता है कि हमने एक्चुअली सोचा था कि एक सीक्वेंस के लिए, हाँ, ये दो कैरेक्टर्स अच्छा, के लिए है। अच्छा। और हमने उस हिसाब से बनाया था, लेकिन जब मैं इसके साथ बैठा और हमने डाला, मैं बोला यार ये बहुत कम यूज कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं क्या, कहाँ यूज करें कहाँ। तो इसका एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि एडिट में उसी दौरान ना मतलब एक रिश्ते नहीं सारे रिश्ते दिख रहे थे। अच्छा। तो उसने बोला कि ये अगर हम थोड़ा खींच लेते ना, थोड़ा ज्यादा यूज कर लेते तो ऑलमोस्ट शो का लव थीम बन सकता है। क्या बात है कि सारे रिलेशनशिप्स और काफी उनमें से काफी रिलेशनशिप्स उस वक्त अच्छे मोड पे नहीं है। Okay. बोला वो और भी वर्क करेगा क्योंकि मतलब कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, लेकिन वो दिखा रहा है कि अलग अलग स्टेटस पे ये गाना कैसे वर्क कर रहा है। तो इसने ऑलमोस्ट पूरा गाना यूज करके बोला कि मैं करके दिखाता हूँ। Okay. और मुझे ऐसा थोड़ा डाउट था यार कि 3 मिनट डायलॉग नहीं है या उसके साथ म्यूजिक चलता रहेगा तो कैसे होगा। फिर मैं अगले दिन वापस इसके स्टूडियो में आया, मैं बोला यार ये बेस्ट काम है, मतलब कि ये टोटली सडनली उसने पूरे शो को बांध लिया। But I think it was something kind of magic also because every lyrics was going was working somehow. वो एक किस्मत की बात है। Maybe you think that's because मतलब लोग जो अलग अलग इमोशन से रिलेट कर पा रहे हैं, आप बोलते हैं मेंटल हेल्थ, जी जी, वेट गेन, हर इमोशन के साथ शायद इसीलिए आ रहा है कि बिकॉज यू स्ट्रेच्ड इट और आपने उसको उस ढंग से इस्तेमाल किया कि हर इमोशन के संग पीपल कैन रिलेट विद इट। बिल्कुल नहीं, वो काफी एक फ्लेक्सिबल उसकी अब तो मतलब कॉमेडी रील भी बन रहे हैं जब इंडिया मैच हार जाती है। अच्छा, अच्छा, इंडिया मैच हार जाती है तो लोग बीच पे खड़े होकर ऐसे क्यों बज रहा है। आई वांट टू सी दैट बस अभी तक आई एम ग्लैड दैट फाइंडिंग न्यू वॉइस। मेरे को ना कास्ट हमेशा भेजती रहती है कि ये देख कहां लगा है, किसी ने डाला कि हम वेकेशन पे गए पैसे खत्म हो गए तो ऐसे क्यों। मैंने बोला बहुत फ्लेक्सिबल गाना है ये, बहुत बढ़िया यार। देखिए अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है हर सिचुएशन में, then I think we have a universal yeah, song. Yeah, absolutely. Yeah. Absolutely. And a universal song for everybody, not, you know, yeah. ki is age group ke liye, is age group ke liye, ye sabhi ke liye. I would say ki wo gaanon ke jo gaane ka jo stations hai na, mere liye wo bade matter karte hai. Ke da ri ra ri ra man mein ghulta hai zafran. So there is a certain रेस्टफुलनेस इन दिस, जो हम क्लासिकल में ठहराव बोलते हैं, ये स्टेशंस है ना, हम क्लासिकल म्यूजिक में उसको न्यास के सुर बोलते हैं। आपके मतलब आप अंधेरी से चढ़े, मलाड में ट्रेन रुकी, मलाड से रुकी फिर गोरेगांव, फिर मलाड, ऐसे जो स्टेशंस हैं गाने में भी स्टेशंस हैं, तो इनके कॉम्पोजिशन में, तो हर कॉम्पोजिशन में कोई एक पॉइंट है ना जहाँ आपका गाना रुकता है, तो आप उस सुर पे कैसे लैंड कर रहे हैं। और एक जो मैं कहना चाहती हूँ, जो नॉट बिकॉज के ये गाना हिट हो गया, वो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो तलफ़ुज़ है, आपकी जो प्रोनंसिएशन है, अगर आपने वो करेक्ट एज अ सिंगर वो गाई, वो कहा, आपका 60% असर उधर होता है। क्योंकि हमारी भाषा में या जिस भी भाषा में हम करते हैं, जो जो फोनेटिक्स हैं,
तालू से लगी जीभ, वो जो साउंड है, उस साउंड की अपनी एक वाइब्रेशन है ना, और है क्या जी, वाइब्रेशन है विच रीचेस पीपल. मतलब व्हाट रिसेंटली आई हैव अंडरस्टूड, या मुझे जो समझाया गया और मैंने समझा है, एक्सपीरियंस किया है, कि वो वाइब्रेशन उसमें इस, ये ओपेक जो लकड़ी का दरवाज़ा है, ये साउंड को आपको करता है ट्रैप, ये जो ग्लास है डबल ग्लास, लेकिन वाइब्रेशन को नहीं ट्रैप कर सकता ये. आपकी जो दीवार है सीमेंट की, वो उसर से भी जाके इस पूरे ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन जा रही है, वो अपने रिपल्स क्रिएट कर रही है. मॉल में जाते हैं, मॉल में हमसे कोई बात नहीं कर रहा, तब भी आप थक के आते हैं, बिकॉज इट्स अ डोम. उधर जो धीरे धीरे कोई धीरे भी बात कर रहा, मिलके वो इतना नॉइज है कि इट अफेक्ट्स यू इनडायरेक्टली. तो ये जो वाइब्रेशन है, आपकी अपनी एक सोल की, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी की वाइब्रेशन है, आपकी है, आपकी है, मेरी है, आपकी है, और वो मिल कर के वो वाइब्रेशन है. ये बच्चा जो शूट कर रहा है रे, इसकी अपनी एक वाइब्रेशन है. उसने कितनी अच्छी बात कही अभी, कि हमने कहा ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ही सेड, मतलब नॉर्मल डे में आप कैसे बैठोगे, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे बैठ जाओ. कितना सिंपल, एक इतने छोटे बच्चे से ये बात आ गई, मतलब सोचना ही नहीं पड़ा, हम ये कभी ये देंगे ही नहीं, ये मतलब एकदम क्लियर हो गया. यहाँ भी थोड़ी सी कुर्सी इधर करके बैठ गया, मैं एबल टू लुक एट हिम. तो मुझे एक जगह पे जहाँ पे ये लग रहा था कि वो आप बेहतर समझेंगे, कि जाफरान जहाँ पे है, हाँ. वहाँ पे न जो है लास्ट, हाँ. का ना वो मिल जाता है सुर, हाँ, के साथ, हाँ. तो वो नून घुन्ना जैसा हो जाता है. वो उर्दू में नून घुन्ना होता है, ऐसा एक जैसे घोड़े की नाल होती है, उसके बीच में डॉट होता है, उससे हमारी जो नेजल साउंड है वो आती है, मैं, मैंने, गुमा जी. तो वो ना नून और नून घुन्ना के बीच में जाके कहीं रह गया, तो मुझे बहुत बाद में सुनते हुए लगा, अरे वाह ये तो अच्छा, मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था, पर ऐसे वो हो गया, वो इस तरीके गिरता है गुलमोहर ख्वाबों में. अभी ख्वाबों भी बोल सकते हैं आप, लिखा ख्वाब जाता है पर गाने में ख्वाब होता है जी. ख्वाबों में रात भर ऐसे ख्वाबों से हर जगाना जरूरी है क्या. आपने जब जाफरान कह दिया, वी नो इट्स अ डेलिकेसी, आपने गुलमोहर कह दिया, ओ माय गॉड, एकदम पूरा आपको कश्मीर ऑरेंज फ्लावर्स और वो पूरा पेड़, वो पूरा आपको ऐसे लगता है कि मतलब आप किसी और उसमें पहुंच जाते हैं, आपके लिए पूरा विजुअली ऐसा बन जाता है. If I can't translate that through my singing, तो मेरे गाने का क्या फायदा है. बचपन से सुना मधुरानी जी, फैजाबादी जी को स्पेशली, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाती हैं, पर वो कुछ जगह उनका लगता है कि अरे ये कैसे लिया, लेकिन उसके अलावा ऐसा गाना बहता है गज़लों में. और मेहंदी हसन साहब इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, लता जी प्लेबैक सिंगिंग में, कि जहाँ वो गाती हैं तो फूल लगता है कि फूल की तरह लफ्ज बोल रही हैं. तो मेहंदी हसन साहब का अगर आप कोई गज़ल उठाएं, वो सुनने में ऐसे लगता है कि साथ गाते हैं तो सब गाया जाता है, मुश्किल मुश्किल जगह भी निकाल ही लेते हैं, जैसे उन्हें बंद करो और फिर आप गाना शुरू करो, आपको लगता है नहीं हो सकता, तो आप नहीं गा सकते. तो वो रियाज इतना जो किया उन्होंने, वो बोलते थे जब तक उनका गला नहीं बैठ जाता था तब तक वो रियाज में लगे रहते थे, गला बैठ गया आवाज बंद हो गई. उन्होंने किसी रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है, गजल के बीच में गाते गाते बंद हो गया गला, छोड़ दिया रियाज, क्या करेंगे आवाज ही नहीं निकल रही. 8-10 दिन में वापस आवाज आ गई, फिर लग गए. तो जितना आप घिसाई करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, मैं नहीं कह रही चलो आप ना रियाज करो बहुत पलटे का, लेकिन अगर इस गाने को ही आप 70-80-100 बार गा लो, वो गाना आपके लिए पानी जैसा हो जाएगा. जैसे वो हो जाएगा तो आपको दिखाई देने लगेगा उसकी शक्ल. अगर सो मींस डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर तो कमाल का है ही, बट हिज म्यूजिकल सेंसिबिलिटी इज समथिंग एल्स व्हिच मैटर्स अ लॉट. या तो आकर सर के साथ मेरा वो डर नहीं रहता है कि मेरा ये गाना रहेगा कि नहीं रहेगा सीरीज में, तो उस फ्रीडम में ना आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं एक्चुअली.
तो वो प्रेशर अलग होता है। हाँ, बिल्कुल। आकाश सर मुझे बोलता है कि गाना मैंने तुझे बनाने के लिए दे दिया, खराब बनाओगे तो तेरा प्रॉब्लम है, अच्छा बनाओगे तो तुझे बाबा मिलेगा। बस वो प्रेशर मेरा नहीं है कि ये गाना रहेगा नहीं। तो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते। एक लास्ट एपिसोड में एक सीन था जहाँ पे वो एयर बेलून में पूरा घूमता रहता है, अच्छा। प्रजक्ता एंड रोहित। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक म्यूजिक क्रैक किया था, तब तक ना फर्स्ट इंटरल्यूड का म्यूजिक आ ही नहीं रहा था। तो एंड मैं कभी कभी मैं सरेंडर कर देता हूँ कि आ जाएगा कभी ना कभी, तो आई डोंट पुश इट। तो बैकग्राउंड जब कर रहा था तो वो उस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक था एक्चुअली। बिकॉज वो पूरा वो लोग आसमान में है, वो लोग देख रहे हैं वहां से, क्या बात तो है? वो थोड़ा एक एरी वो एक वैसा ये था। हाँ। एंड इस गाने पे थोड़ा ट्रिकी मामला भी था, बिकॉज एक तो कहीं ना कहीं डर था कि बहुत लंबा हो रहा है, ये हो रहा है, और दोनों बार ना ऐसे क्यों ऐसे ही शुरू होता है। हाँ, हाँ। तो जब पहले बार शुरू होता है तो अच्छा लगता है, सेकंड बार जब शुरू होता है ऐसे क्यों, तो म्यूजिकली मुझे लग रहा है कि कहीं जॉब हो रहा है क्या, क्योंकि कंपोजिशन सेम था। करेक्ट। तो आई ऑलवेज वांटेड टू गो समवेयर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो वो म्यूजिक वहां से आके हम लोग ने यहाँ पे फिट करके देखा, तो समहाउ इट वर्क्स। मुझे अभी भी मैं जब भी सोचता हूँ कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं गाना, क्योंकि इतना पसंद करना इज लाइक ए आउट ऑफ सिलेबस फॉर पीपल लाइक अस। आई लाइक इट। नहीं नहीं नहीं, यू शुड चेंज योर सिलेबस नाउ और चेंज द क्लास। तो अभी भी कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे जब बोलता है कि भाई आपका गाना बहुत लोग सुन रहे, तो मैं पूछता हूँ कौन सा गाना बोलो। तो मैम ये जो लास्ट वाला पार्ट था ना, हाँ, हाँ, ये गाने में था नहीं पहले। हाँ, तो सिर्फ दो वो स्टैंजा था। हाँ, तो और हमें लग रहा था कि ये ना हुआ नहीं अभी तक पूरा, मतलब मैंने अनुराग को ये बात कही, मैंने कहा अनुराग मेरे अंदर ना इस गाने का अभी कुछ रह गया है, अभी निकला नहीं है पूरा, तो एक स्पेस रखना। इसने कहा मैं धुन बना दूं या क्या, मैंने कहा मुझे लिखने दो एक बार पहले, और फिर वो आया तो फिर इसने उस पर कंपोज किया, थैंक यू। और अक्सर वाला जो है जी, अक्सर और वो वाला जो वो कहाँ के लिए, जब वो जो उसकी रणविजय की जो गर्लफ्रेंड का एक डर उसके मन में है कि वो अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है, फिर हाँ इसकी एक बात है कि ये यहाँ पे ये चेंज किया था कंपोजिशन, घर सा लगता है, तो जब है जो मैं स्टेशन की बात कर रही थी, फिर भी दिल में फिर क्यों दिल ही दिल में डर सा लगता है, तो मतलब मैं लाइव में तो ये जगह लूंगी जरूर, इसलिए यहाँ पे नहीं गाने को डिस्टर्ब करना था, बट वो जिस तरह से गाया भी आपने ना, क्योंकि वो घर सा लगता है के बाद एक ठहराव है, एक क्योंकि कॉम्पोजिशन में भी, और आप कह रहे हैं कि अक्सर तुमसे मिलके मुझे घर सा लगता है, तो ऐसा तो लगे कि हम थक कर जब दरवाजा खोलते हैं, आप सोफे पे ऐसे बैठते हैं, आपको लगता है आह घर जैसी कोई जगह नहीं है, छोटा है बड़ा है, कम चीजें हैं क्या है, पर उस घर में आपकी वाइब है, आपकी वाइब्रेशन है, आप सबसे ज्यादा हम वहीं कंफर्टेबल होते हैं ना। हमारी बात हो रही थी कि आगे हम कुछ साथ करें तो उसमें क्या काम करें, एंड उसमें इतना इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई कि इनके फादर जो हैं वो बी कीपर हैं, एंड हाउ ही टोल्ड मी देन के एक पूरा माइग्रेटिंग वो होता है कि कश्मीर में जो एप्पल का ऑर्चर्ड है और कोई दूसरी जगह से वो अपने बॉक्सेस में बीज को लाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, इसलिए वो एक पर्टिकुलर एप्पल का कश्मीर वाले का आएगा तो उसका अलग फ्लेवर आएगा, एंड आई सेड ओ माय गॉड वो जो गिफ्ट हैम्पर्स आते हैं अब समझ आया। एक में रास्पबेरी का क्यों फ्लेवर लिखा है, एक में वो, तो मतलब बट मतलब मोर देन दैट इट वाज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो, क्योंकि मैंने वो बी कीपिंग पे स्पेशली एक किताब वो ट्रीज की और वो सब अच्छा। ली थी कि एक लाइफ ऑफ अ ट्री पे कि ट्री कैसी, बिकॉज इट्स ऑल अलाइव, इट्स सबकी फीलिंग है, तो आपने जैसे ही बोला
तो मैंने मुझे आया कि यार नो वंडर आपको वो आप इतनी क्लोजली एक चीज अनफोल्ड होते देखते हो, वो तो आपके काम में कहीं ना कहीं असर आएगा ना, आप कहीं ना कहीं उससे इतने क्लोज हो, जुड़े हुए हो नेचर से। तो बी कीपर्स ना वो स्प्रिंग चेज करते हैं हर जगह, वो और उनको लगता है कि वो चेज कर रहे हैं पर उनके कारण स्प्रिंग आता है। दैट्स सच एन अमेजिंग, दैट्स नेचर, क्या बात है। क्योंकि वो मधुमक्खियां जब लेके जाते हैं तो वो कश्मीर से लेके सुंदरबन तक, उनको लगता है कि हाँ अब ये इसका वक्त हो गया आम का या कहीं कुछ किसी चीज, तो उससे पहले वो वहां पहुंचते हैं और वो मधुमक्खियां बैठती हैं और उनका हिंदी में बोलते उसको परागन, परागन पोलन पॉलिनेशन, तो उस कारण से मधुमक्खियों के कारण होता है। क्या बात है, तस्बीहत हो रहा है इरशाद। इधर देख के नहीं बोलना ना, अच्छा अपने लोगों को ही सामने। अच्छा एक काम कीजिए, इधर देखिए, देख लीजिए कैमरा में, देख लीजिए सुंदर आंखें हैं आसपास, उनमें देखूंगा। अरे क्या बात है, ऐसे क्यों कुछ तो लिखती हूँ, लिख के मिटाती हूँ मैं रात भर। क्या बात है, ऐसे क्यों बातें खुद की ही खुद से छिपाती हूँ मैं आजकल। पर ये सब सोचना, दिल को यूं खोलना, सब कुछ कह के ही सबको बताना जरूरी है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। ऐसे क्यों उसके होठों पे अच्छा लगता है मेरा नाम। ऐसे क्यों कुछ भी बोले वो मन में घुलता है जाफरान, गिरता है गुलमोहर ख्वाबों में रात भर, ऐसे ख्वाबों से बाहर निकलना जरूरी है। जरूरी है क्या, क्या बात है। वाँ वाँ वाँ। और ये हम सब के लिए। अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है, फिर क्यों दिल ही दिल में कोई डर सा लगता है। इसकी नजर कर दिया है। क्यों भला, एक बार फिर से। अक्सर तुमसे मिलकर, अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है, क्या बात, फिर क्यों दिल ही दिल में कोई डर सा लगता है। बीता जो वाकिया सोचूं मैं क्यों भला, बीती बातों से दिल को दुखाना जरूरी है क्या। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। थैंक यू क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि टू स्टे इन प्रेजेंट। पास्ट के बारे में सोचते हैं फ्यूचर, बट मतलब सब स्पिरिचुअल लीडर्स यही सिखाते हैं हमें, मास्टर्स जो हैं, टू स्टे इन प्रेजेंट, यही बात है ना, बीती बातों से दिल को दुखाना जरूरी है क्या। आगे भी है कुछ सीजन 3 में वो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और फ्रॉम अ लिरिसिस्ट टू अ डायरेक्टर मैं कहूँगा, ये बहुत खास बात है आपकी और इस चीज को आप आगे रखिएगा आगे भी। आप बहुत जो सिरे खुले छोड़ देते हैं ना, कि मतलब अब बांधते नहीं है, जैसे आपने भी कहा कि ये है अब आप देख लो, उसमें ना हमें एक मौका मिलता है कि हम कहीं कुछ, जो मैम कह रही थी, कहीं से हम कुछ पकड़ सकते हैं। कई बार जब ब्रैकेट दोनों तरफ के फिक्स हो जाते हैं ना, जाए कस के तो आप कसमसाते ही रहोगे, तो उसमें ना फिर आपको लगता है कि ठीक है मुझे ना यहाँ पे एक स्टेनोग्राफर की तरह ही काम करना है। आप अपनी, तो इसमें आपका एक तरीके से ना होना आपका होना है यहाँ पे। ये अपने में गाना है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपको, क्योंकि आपने अभी ऐसा कहा ना कि मैंने तो ऐसे इमोशन दे दिया कुछ, मैं ये आपको इसके लिए खास तौर पे, मतलब इट्स कमेंडेबल और तारीफ की बात ये है कि ये टीनेज रोमांस का शो है, राइट, इमोशंस का जी। उसमें आप ये लिरिक्स को अपनाएं, आप ये डिग्निटी वाली धुन को लें, आप कहें कि आप टीने, अभी कोई, हम तो आधे टाइम, आधे क्या 95% तो होता है यंगस्टर्स को क्या पसंद आएगा, वो करो केटर।
यंगस्टर्स को केटा करना है तो शोर मचाओ, यंगस्टर्स को केटा करना है डांस नंबर करो, उन्हें करना है थोड़ा सा हल्का लिखो, उन्हें करना थोड़ा आसान लिखो, उन्हें जाफरान नहीं समझ आएगा, अरे नहीं समझ आएगा, गुलजार साहब बोलते हैं उन्हें डिक्शनरी लेके समझने दो, भाषा समझेंगे, तो वो आपने अलाउ किया है, उसका क्रेडिट और उसका सारा श्रेय सिर्फ आपको जाता है, क्योंकि एज अ डायरेक्टर देखिए ये चीज पसंद कर ली गई तो हम सब श्रेय ले रहे हैं जी। अगर इस चीज को उतना ना पसंद किया जाता या एक नॉर्मल उसमें चली जाती या इसकी बुराई होती तो उसका सारा जो गालियां पड़ती वो आपको पड़ती है ना, अच्छाई में तो हम सबको भी मिल गया लेकिन उसकी जो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, तो आपको ही इसलिए वो एक श्रेय आपको जाता है कि आपने वो फ्रीडम दी, आपने वो ओपन जो कह रहे हैं ओपननेस रखी, यू वांट यू सपोर्टेड दीज लिरिक्स, करेक्ट एब्सोल्युटली, यू अग्रीड विद दीज लिरिक्स, यू अग्रीड विद दैट ट्यून, यू अग्रीड विद दैट मैच्योर्ड सिंगिंग बिकॉज दैट वाज योर विजन, तो आपका वो विजन उसको मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझसे रिसेंटली यही पूछा गया कि बहुत खूबसूरत गाना है बट आपको लगता है कि ये गाना इस गाने के साथ जस्टिस नहीं हुआ है इस शो के वजह से। अच्छा, हाँ। सो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता, इसलिए कि बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस शो के थ्रू आप वो टीनेज, क्योंकि आपका शो तो वो बच्चे देखेंगे, उस वजह से तो ये गाने को अप्रिशिएट कहीं उसमें डल गई वो बात, आपने वो सीड डाल दिया और ये बड़ी अच्छी बात हुई है, दिस इज द वे टू कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। एग्जैक्टली, क्या आपको शो में मे बी यू हैव टू केटर टू एंड मे बी कई जगह आप अपना कोई विजन को कॉम्प्रोमाइज शायद कर दे, मुझे पता नहीं है, ना भी करते हो, लेकिन अगर आपने कहीं एक थोड़ा सा कि चलो इस चीज में मैं अपने को थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ, नहीं इसको इतना करता, इंडलजेंट या एक्सपेरिमेंटल, पर आपने गाने में वो कर दिया और गाने को कहाँ कि कहाँ गाना ले गया, तो वो तो आपका है ना, वो आपका नहीं, ये डेफिनेटली नहीं, ये गाना तो मतलब डेफिनेटली ये खुद के लिए ही था, ये एक मतलब अपनी एक जिद थी और मुझे लगा था कि ये जिद करके देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई थिंक गाना ऐसा बन गया कि कहीं से ऑपोजिशन नहीं मिला, वो ऑपोजिशन मिला ही नहीं क्योंकि सब साथ में, जैसे आपने ही कहा ना, एक तरीके से बैठ गया, तो आप सोच सकते हैं क्योंकि जब पहली बार मैंने जब ईमेल भेजा था ना कि मेरे ये 8 गाने उसमें से एक ये है, मुझे लगा था सवाल आएंगे इसके बारे में, तब शायद किसी ने पूछा नहीं, शायद उनकी भी उतनी इमेजिनेशन नहीं थी कि क्या होने वाला है, सुनते हैं देखते हैं क्या होता है, बट मैं मेरे माइंड में था ये जिद है, मैं डट जाऊंगा, मैं लड़ लूंगा, बट लड़ाई की नौबत ही नहीं आई, तो इतने सजेशन आते ही रहते हैं, बट लड़ाई की नौबत ही नहीं आई, मतलब वो टेलीकास्ट होना है। और मैं एक बात अब ऑन कैमरा कहना चाहती हूँ कि बेझिझक प्लीज मुझे अप्रोच करोगा, मुझे लगेगा कि गाना मैं गा सकती हूँ, और अगेन मैं वही कहूंगी कि मेलेडी एस्थेटिक्स अच्छे लिरिक्स मैं गाऊंगी, मत घबराओ। अरे एक एक चीज मैं कहना चाहूंगा मैम, मुझे लगा कि हम ना ओवरऑल जो यंग लोग हैं ना उनको बहुत अंडरमाइन करते हैं ये सोच के कि यार इनको तो नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल इनका नहीं है, बट इस गाने से ना बहुत सारी चीजें मेरे अपनी समझ में, मैं ये नहीं कहूंगा दुनिया बदली कि नहीं, पर जिस हम दुनिया बदलने भी नहीं चाहते बट गणित जो है हाँ। वो जो एक दिमाग में इस तरीके से चल रहा था कि ऐसा करने से ऐसा होता हाँ। है, वो फार्मूले खुद मेरे अंदर टूटे कई सारी चीजें, कितनी अच्छी बात है कि वो मैंने एक जगह लिखा था कि गणित जानना भी नहीं है, गणित से जादू खत्म हो जाता है, तो हर बार अगर वैसा ही होने लगे तो फिर हाँ। तो फिर नहीं मजा नहीं है कुछ। बस अपना काम, हमें इतनी सलाहियत, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमें वो उतनी सलाहियत भी दिया है, या हमको उतनी उसने वो दिया है कि हमको ये पता है कि हमें कितनी मेहनत करनी है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी बड़ी जरूरी बात है, तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है। And I really hope and look forward to कि हम और कुछ फिर कुछ करें, not नया mismatch के लिए आप कुछ और करेंगे उसमें करेंगे। Thank you so much. Thank you. I couldn't be like इससे ज़्यादा मैं grateful नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो
ब्लेसिंग है, वी आर ऑल ब्लेस्ड, आई वुड से दैट।